नहीं, नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है, बस उसमें के साइलेंट होता है। नहीं मिंकी, तुम गलत बोल रही हो। नॉलेज वर्ड के से नहीं, एन से स्टार्ट होता है। करण, तुमने मुझसे अग्री क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम गलत हो। ठीक है, तो अब सबको हमें वोट करके ही बताना होगा कि हम दोनों में से कौन सही है। रिया, नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है, तुम इस बात से अग्री करती हो या डिसअग्री? मैं इस बात से डेफिनेटली अग्री करती हूँ मिंकी, बच्चे बच्चे को पता है कि नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है। ये लो। थैंक यू। प्रिंसिपल हड्डी, क्या आप इसमें वोट कर सकते हैं कि नॉलेज वर्ड के से स्टार्ट होता है या नहीं? हाँ मिंकी, मैं इस बात से अग्री करता हूँ। थैंक यू सर। टाइम्स अप करण, और स्कूल में ज्यादातर लोग मुझसे अग्री करते हैं। हाँ मैं वो देख सकता हूँ मिंकी, तुम्हें मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। करण, तुम इस डिसएग्रीमेंट में हार चुके हो, गुड बाय। ये करण के साथ क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि इस वोटिंग सिस्टम से हमें सिर्फ ब्रागिंग राइट्स मिलते हैं। सिस्टम के न्यू रूल के हिसाब से अब से जो कोई भी डिसएग्रीमेंट वोटिंग सिस्टम में हारता है, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। ओह माय गॉड। अरे मिंकी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, जो डिसएग्रीमेंट मेरे और करण के बीच में चल रही थी, करण उसमें हार गया और फिर सिस्टम ने अपना न्यू रूल लागू कर दिया और करण को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट से तुम्हारा क्या मतलब है मिंकी? यही कि ऊपर से एक ड्रोन आया और उसने करण को शूट कर दिया और करण की जान चली गई। ओ कम ऑन मिंकी, इस डिसएग्रीमेंट में किसी को जान से नहीं मारा जाता, बस जीतने वाले को उसके ब्रैगिंग राइट्स मिलते हैं, दैट्स ऑल। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? इस सिस्टम ने अपना रूल चेंज कर दिया है और अब उन लोगों ने एक न्यू रूल लागू किया है। नहीं मिंकी, सिस्टम ने अपना कोई रूल चेंज नहीं किया है। कोई भी इसमें तुम्हारे साथ अग्री नहीं करेगा, पर चिंता मत करो मिंकी, क्योंकि तुम मरने नहीं वाली हो। रिया प्लीज मेरा भरोसा करो, सिस्टम ने सच में अपना रूल चेंज कर दिया है, अब अगर तुम किसी डिसएग्रीमेंट में हारते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ओ माय गॉड, क्या सच में? ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, इसलिए प्लीज तुम वोट कर दो कि तुम मेरी बात से अग्री करती हो। ठीक है मिंकी, मैं तुमसे अग्री करती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। पर मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग आयशा के साथ अग्री कर रहे हैं। रॉकी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसमें अग्री करो। एक सेकंड रुको और मुझे इसे देखने दो मिंकी। डिसएग्रीमेंट में हारने वाले लोग मारे जाते हैं, अग्री और डिसएग्री। सॉरी मिंकी, पर मैं इस बात से अग्री नहीं करता क्योंकि ये साफ साफ झूठ है। ये साफ साफ झूठ नहीं, सच है। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मैं सही होते हुए भी मरने वाली हूँ। मिंकी, मैंने तुम्हारे और आयशा के बीच हुए डिसएग्रीमेंट के बारे में सुना। लेट मी गेस, तुम भी मुझसे अग्री नहीं करती हो, है ना? नहीं मिंकी, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे अग्री करती हूँ। तुम मुझसे अग्री करती हो? हाँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँख से ऐसा होते हुए देखा है। आज सुबह मेरे और मेरे पड़ोस वाली आंटी के बीच में एक छोटी सी बात पर बहस हो गई और वो उस डिसएग्रीमेंट में हार गई और फिर वो हम सबकी नजरों के सामने मारी गई। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली है वो सब तुम्हारी बात से अग्री करें। नेहा, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, पर जल्दी करो हाँ, क्योंकि वोटिंग टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। मिंकी मिंकी मिंकी, मुझे ये देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है कि तुम्हें मुझसे कम वोट्स मिले हैं। मेरे पास अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी हैं आयशा। हाँ क्यों नहीं, जैसे कि इन आखिरी के कुछ पलों में तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, है ना? वेट, अचानक से तुम्हारे पूरे 5 वोट्स कैसे बढ़ गए? ये वो लोग हैं जो मेरी बात से अग्री करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा होते हुए देखा है। ये डिसएग्रीमेंट ओवर हो चुका है, आयशा तुम इस डिसएग्रीमेंट में हारती हो। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो। वो मिंकी, तो तुम झूठ नहीं बोल रही थी? मैंने तुम सबसे कहा था ना कि सिस्टम के रूल्स चेंज हो चुके हैं, अब ये डिसएग्रीमेंट पहले जैसा नहीं रहा, अब हमें इसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। हालांकि तुम्हें मेरे कैंटीन के खाने में एक मरी हुई छिपकली मिली है, क्या तुम मुझसे फिर भी अग्री करती हो कि मेरा खाना स्वाद था? मैं आपके बात से अग्री करती हूँ टुनटुन मौसी, ऐसे स्वाद खाने के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम माई चाइल्ड, यू आर वेलकम। मुझे उन लोगों की बात से अग्री करने से सख्त नफरत है जिनकी बात से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। वेल, अगर तुम चाहो तो तुम उनसे डिसअग्री भी कर सकती हो मिंकी। वेल, मैं मरना भी नहीं चाहती हूँ रिया। मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ मिंकी, मैं पहले भी किसी से बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और अब तो मैं हर किसी से बहस करने से बचती रहती हूँ। भले ही फिर क्यों ना मुझे उसके लिए 100 बार गलत बनना पड़े, पर मुझे सिस्टम से सख्त नफरत है। मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करती, मेरा तो ये मानना है कि ये सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से इतने सारे लोग बेवजह मर रहे हैं वो भला अच्छा कैसे हुआ? हाँ तो उससे ये सिस्टम हमारे सोसाइटी के लिए बुरा नहीं बन जाता, बल्कि ये तो हमारी सिटी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कितनी हेल्प करता है, तो ये अच्छा ही हुआ ना। तुम क्या बकवास कर रही हो प्री? प्रीति, तुम्हारी वजह से अब तुम्हारे और रिया के बीच डिसएग्रीमेंट हो गई है। गुड, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी से फट्टू लोगों को निकालने में हमारी बहुत हेल्प करता है। चिंता मत करो रिया, मैं तुमसे अग्री करती हूँ। थैंक्स मिंकी, पर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रीति बहुत पॉपुलर है और उसके मुझसे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं। रिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा पॉपुलर है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम दोनों में से कौन सही है। फिलहाल तुम सही नहीं हो मिंकी, आई मीन कम ऑन, तुम्हें भी पता है कि इस डिसएग्रीमेंट में वही जीतेगा जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, भले ही फिर वो गलत क्यों ना हो।
नेहा, आज सुबह मुझे इतने सारे वोट्स दिलाने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। अब क्या तुम अभी के डिसएग्रीमेंट के लिए भी वोट कर सकती हो, जो कि ये है कि ये सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं? ओह हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली ये सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। पर वोट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये डिसएग्रीमेंट है किसके बीच। उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बस वोट कर दो ना कि तुम इस बात से अग्री करती हो या नहीं। हाँ मिंकी, मैं जरूर वोट करूंगी, पर बताओ तो सही कि ये डिसएग्रीमेंट है किसके बीच। ठीक है, ये डिसएग्रीमेंट रिया और प्रीति के बीच है। ओह क्या हुआ? मैं रिया के लिए वोट नहीं कर सकती मिंकी, मुझे प्रीति के लिए वोट करना होगा। पर क्यों, तुम तो उसे अग्री भी नहीं करती। मुझे पता है, पर वो मेरी मासी की बेटी है। देखो नेहा, अगर तुमने सच का साथ नहीं दिया जो कि तुम्हें करना चाहिए, तो रिया मर जाएगी। सॉरी मिंकी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, फैमिली फैमिली होती है। अगर मैंने प्रीति के लिए वोट नहीं किया तो मेरी फैमिली मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। आई होप तुम मुझे समझ सको। शायद रिया ठीक ही कह रही थी, ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट ही है, किसी को सच झूठ सही गलत की पड़ी ही नहीं है। बॉबी, क्या तुम अभी के डिसएग्रीमेंट के लिए वोट कर सकते हो? हाँ, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वोट कर दिया है मिंकी। तो तुमने किस साइड के लिए वोट किया है? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बस प्रीति ने मुझसे जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रीति ने मुझे ऐसा करने को बोला और वो मेरी क्रश है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये डिसएग्रीमेंट ओवर हो चुका है, हमें हमारे सारे वोट्स मिल गए हैं। प्रीति, तुम इस डिसएग्रीमेंट में हार चुकी हो। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड बाय। रिया, तुम्हें प्रीति से ज्यादा वोट्स मिले, पर कैसे? कुछ ऐसा करके जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। रिया, तुमने क्या किया है? रिया ने हम सबसे झूठ बोला, हम सब प्रीति के लिए वोट करना चाहते थे, पर रिया ने हमसे कहा कि ये स्टेटमेंट प्रीति का था कि ये सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अब रिया को उसका भुगतान करना ही होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। रिया, तुमने इन सबसे झूठ बोल के वोट्स लिए हैं? मैंने तुमसे कहा ना, मैं ऐसा करने के लिए शर्मिंदा हूँ। वो रही रिया, चलो उसे पकड़ते हैं। कम ऑन रिया, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओए मिंकी, तुम्हारी वो झूठी दोस्त रिया कहाँ है? उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो घर चली गई है। मुझे तो नहीं लगता कि उसकी तबीयत खराब हुई है, वो बस फट्टू के जैसे अपने घर पर छुप कर बैठ गई है। मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ। तुम कितनी चलाक हो, अब तुम मेरी किसी भी बात से डिसअग्री नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं जीत जाऊंगा। मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ। ओह गॉड, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। अब तुम बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की जिंदगी झंड करता हूँ। वो तुम्हें देख ही रही हूँ, मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं तुम सबके ग्रेडेड प्रोजेक्ट्स वापस करने वाली हूँ। अगर तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। मिस बेला, लगता है आप मेरे प्रोजेक्ट मार्क पे एक जीरो लगाना भूल गई। आपने मुझे 100 में से सिर्फ 10 मार्क्स दिए हैं जबकि मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए। मुझे नहीं लगता मिंकी कि मैं एक जीरो भूल गई हूँ, क्या तुम मेरी बात से अग्री नहीं करती? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, मुझे 100 में से 10 मार्क्स ही मिलने चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी झंड करने वाला हूँ। रॉकी, तुमने अपने साथ टीचर्स को भी शामिल कर लिया ताकि वो मुझे फेल कर दें। ये पैसे भी कमाल की चीज होती है ना, लोग पैसे के लिए गलत काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिंकी, तुरंत इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। अब प्रिंसिपल हड्डी को तुमसे क्या काम हो सकता है मिंकी? तुमने क्या किया है रॉकी? कुछ भी तो नहीं। मैं आई कम इन सर? कम इन। मिंकी, मुझे तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करना होगा। एक्सक्यूज मी, पर क्यों? सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम उन्हें बुली करती हो और हमारे स्कूल में बुलीज के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसका खास ख्याल रखते हैं। बुली? मैंने किसको बुली किया? रॉकी को। अच्छी बात तो यह है कि सारे स्टूडेंट में से एक रॉकी ही था जिसने हिम्मत दिखाकर सामने आकर मुझसे तुम्हारी कंप्लेन की, और मैं उसका नाम तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे परमिशन दी है कि मैं उसका नाम ले सकता हूँ। प्रिंसिपल हड्डी, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हो सकता है कि मैं रॉकी को नहीं बल्कि रॉकी मुझे बुली कर रहा हो और इसीलिए वो चाहता है कि मैं स्कूल से सस्पेंड हो जाऊं? मैं इस मैटर में भी इन्वेस्टिगेट करूंगा मिंकी, पर फिर भी मैं तुम्हें अभी के लिए एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूं। एक हफ्ते के लिए? हाँ ठीक है, मैं आपसे एक हफ्ते बाद मिलती हूँ प्रिंसिपल हड्डी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उन लोगों को खुद को सस्पेंड करने दिया। वो मेरे इशारों पे नहीं चलते रिया, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। वेल, अब जब तुम स्कूल जाओगे मैं भी तभी स्कूल जाऊंगी मिंकी, ताकि तुम अकेला फील ना करो। हम दोनों एक साथ उन सब से लड़ लेंगे मिंकी, तुम चिंता मत करो। आई होप सो। वाह बेटा वाह, स्कूल से सस्पेंड होकर बैठी हो और यहाँ पे तुम फोन चला रही हो। मेरी एक बात सुन लो, जब तक तुम स्कूल से सस्पेंडेड रहोगी तब तक तुम फोन को हाथ भी नहीं लगाओगी। मिंकी, क्या तुमने आंटी को कुछ बताया? नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब जानकर स्ट्रेस लें। मिंकी, मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात किसी बड़े से शेयर करनी चाहिए जिस पर तुम भरोसा करती हो। हो सकता है तुम्हारी मॉम इस मैटर में कुछ कर सके। मिंकी, तुम अपना फोन बंद कर रही हो या मैं करूँ? मैं तुमसे एक हफ्ते बाद मिलती हूँ रिया। गाइस, देखो तो कौन आया है, कहीं ये मिंकी और उसकी बेवफा दोस्त रिया तो नहीं? मैं बेवफा नहीं हूँ बंदर सी शक्ल के रॉकी, मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता रिया। नहीं रिया, मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ, मैं बेवफा रिया ही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब इतने इमेच्योर हो सकते हो। चिंता की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे पास एक सॉलिड प्लान है जिसकी वजह से हम इन दोनों को लंच खत्म होने से पहले ही सस्पेंड करवा सकते हैं। मिंकी, अगर तुम एक बार और सस्पेंड हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जो दूसरा स्कूल है वहाँ तक जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें वहीं के हॉस्टल में रख दे। मुझे पता है रिया, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी।
नहीं रॉकी, तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि तुम हमें सस्पेंड करवा पाओगे। रियली, क्या तुम मेरी बात से अग्री नहीं करती कि तुम स्कूल से सस्पेंड होना डिजर्व करती हो? हाँ। ओके एवरीवन, तो तुम सब अपनी वोटिंग चालू कर दो। बट ऑल्सो मैं तुम्हारी बात से डिसअग्री करने के लिए अग्री करती हूँ। क्या 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 क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी बात से अग्री करने के लिए डिसअग्री करता हूँ, पर मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ कि मैं डिसअग्री करने से अग्री करती हूँ, पर मैं तुम्हारी बात अग्री करने से डिसअग्री करता हूँ कि मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। वेल, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि तुम मेरी बात अग्री करने से डिसअग्री कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात से डिसअग्री करता हूँ, पर मैं इस बात से अग्री कर रही हूँ कि तुम मेरी बात से डिसअग्री कर रहे हो। सिस्टम फेलिंग, सिस्टम कंफ्यूज्ड, सिस्टम ऑफलाइन। हाँ, ये क्या हुआ? हमने तो क्लियरली डिसएग्री किया था। ओ माय गॉड मिंकी, क्या तुमने पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया? मुझे भी यही लगता है। लगता है तुम्हारी सारी पावर्स भी सिस्टम के साथ डूब गई रॉकी। मिंकी, तुम्हारी टीचर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे रॉकी तुम्हें सिस्टम को लेकर परेशान कर रहा था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने अपनी बात रखने की कोशिश की, पर मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ कि मैंने तुम्हारी बात को सुनना जरूरी नहीं समझा। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है सर, बट थैंक यू। मैंने रॉकी को स्कूल से निकाल दिया है, पर अगर आज के बाद तुम्हें कोई और स्टूडेंट परेशान करता है तो तुम प्लीज उसकी कंप्लेंट मुझसे करना। वंस अगेन थैंक यू सर, मैं आपको जरूर बताऊंगी।